नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचं सपना होमस्कूलिंग युट्यूब चॅनल मध्ये। आणि आज आपण इयत्ता 5वी विषय हिंदी द्वितीय सत्र परीक्षेचा 40 गुणांचा पेपर सोडणार आहोत। सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला दिलेली आहेत, तुम्ही नीट उत्तर अभ्यासा। याच प्रकारे तुम्हाला प्रश्नपत्रिका येणार आहे, तर तुम्ही याचा नीट अभ्यास करा आणि छान पाठ्यपुस्तक त्याच्या धड्याखालच्या सगळ्या प्रश्नांचा अभ्यास करा। तर आता आपण बघतोय सगळ्यात पहिला प्रश्न, एक कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो कोष्टक मध्ये तुम्हाला शब्द दिले आहेत, रोशनी, बीच, टकरा, फ्लोरा, नष्ट। उत्तर आहे, किसी नदी के किनारे एक बीच पड़ा था, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। फ्लोरा नामक एक आदर्श गांव था, फसलें नष्ट हो जाती है। प्रश्न दूसरा अ, तो तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटापटा चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकन दाबा। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे है, बहन तुम चुप क्यों थे, दो स्त्रियों ने तीसरी स्त्री से कहा। वह छोटा पौधा कहा गया, चिड़िया, बकरी और गाय ने एक दूसरे से कहा। छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। सही विधान के सामने बराबर और गलत विधान के सामने गलत चिन्ह लगाओ। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, बराबर। भूकंप आने से ऊंची लहरें उत्पन्न नहीं होती, गलत। उचित जुड़िया लगाओ, स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे, झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है, वीरों को प्रणाम, रमेश दीक्षित जी ने लिखा हुआ है। एक वाक्य में जवाब दो, कौन सा गांव आदर्श था, फुलेरा गांव आदर्श था। हमारे धरती पर कौन सी नदियां बहती है, गंगा जमुना बहती है। स्त्रिया पानी कहाँ भर रही थी, तो स्त्रिया पानी पनघट पे भर रही थी। हमारे देश कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। बच्चे कहाँ भीग रहे थे, बच्चे बरसात में भीग रहे थे। प्रश्न चार, उत्तर लिखो, सिर्फ 3-6 मार्क्स के लिए है, अंक है इसकी 6। सुनामी की सूचना मिलते ही हमें क्या करना चाहिए, उसका उत्तर है, तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय त्योहार का दिन हम कैसे मनाते हैं, इसकी जानकारी लिखो। राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालय में धूमधाम से मनाते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, जगह जगह सजावट करते हैं। सपूत ने अपनी माँ को किस तरह मदद की, सपूत ने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। चार, आज की लड़कियां कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसका जवाब है, आज की लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। प्रश्न पांच अ, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ, रुकी रहो जमीन में गड़ने दो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इस तरह से हमें उचित विराम चिन्ह यहाँ पे लिखने हैं। अगला सवाल है, समानार्थी शब्द लिखो, अस्पताल, दवाखाना, मित्र, साथी। मातृभाषा में लिखो, बंदर, माकड़, घास, कवत। शब्द पढ़कर अंक लिखो, 49 को इस तरीके से लिखा जाता है, 21 को इस तरीके से। विरुद्धार्थी शब्द, अंदर, बाहर, आसमान, जमीन। अंकों के अक्षर में लिखो, 26 को इस तरीके से हम लिखेंगे और 11 को इस तरीके से। उच्च शब्द बनाकर लिखो, तो इन शब्दों से बनता है सवेरा और यहाँ से बनता है दरवाजा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं और आप आगे भी जाकर आपके पूरे पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और इस फॉर्मेट में आपको जरूर पेपर आएगा, तो अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट।